दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपनी कमजोरी और फिजिकल कंडीशन खराब होने के बावजूद भी ऐसा मुकाम हासिल किया है कि लोग आज इन लोगों से मोटिवेट होते हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स के जन्म से ही हाथ या पैर नहीं है और कुछ लोगों ने तो एक्सीडेंट्स में अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत के आगे सारी दुनिया झुक गई। तो दोस्तों ये वीडियो है अनयूजुअल पीपल हु प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। नंबर 5, ऑस्कर पिस्टोरियस। दोस्तों ऑस्कर पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक प्रोफेशनल स्प्रिंटर और पैरालंपिक चैंपियन है। जब ये सिर्फ 11 महीने के थे तब एक बीमारी के चलते इनके दोनों पैर काटने पड़े थे। ऑस्कर ने कई सालों तक प्रोस्थेटिक लेग्स का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन घुटने से नीचे पैर न होने के बावजूद भी इन्होंने 2011 में नॉर्मल रनर्स के साथ कम्पीट करके मेडल जीते और सबको हैरान कर दिया। नंबर 4, कान्या सेसर। दोस्तों 24 साल की कान्या अपने जन्म से ही बिना पैरों के पैदा हुई थी, लेकिन इससे उनके स्केटबोर्डिंग करने के शौक पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। थाईलैंड में पैदा हुई कान्या को बचपन में ही उनके माँ बाप ने उनकी फिजिकल कंडीशन खराब होने की वजह से वहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर कान्या को एक यूएसए के कपल ने अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। कान्या ने 9 साल की उम्र से ही स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग करना सीख लिया था और व्हीलचेयर की बजाय वो स्केटबोर्ड का ही इस्तेमाल करने लगी। सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग करने के साथ साथ कान्या व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी खेलती है और इन्होंने 2012 के लंदन पैरालंपिक कॉम्पिटिशन में अपने देश यूएसए को भी रिप्रेजेंट किया था। नंबर 3, जेसिका लॉन्ग। दोस्तों जेसिका लॉन्ग एक 27 साल की पैरालंपिक स्विमर है जिनके नाम कुल 23 पैरालंपिक मेडल्स जीतने का भी रिकॉर्ड है। जेसिका भी एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसके चलते जब वो सिर्फ 18 महीनों की थी तब उनके दोनों पैरों को काटना पड़ा था, लेकिन अपने दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने से कोई भी नहीं रोक पाया। जेसिका स्विमिंग करने के साथ ही बाइकिंग, आइस स्केटिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी करती है, लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र से ही इन्होंने पैरालंपिक स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया था। 2018 बीजिंग ओलंपिक्स, 2012 लंदन ओलंपिक्स और 2016 के रियो ओलंपिक्स को मिलाकर इन्होंने अब तक करीब 23 मेडल अपने नाम किए हैं। इनके पैर नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, इनके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत है। दोस्तों इसी कड़ी में नंबर 2 पर है सारा राइनस्टीन। 44 साल की सारा भी एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसकी वजह से उनका लेफ्ट पैर राइट से काफ़ी ज़्यादा छोटा था और 7 साल की उम्र में सारा ने अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऊपर तक कटवा लिया था। लेकिन अपने लेफ्ट पैर को कटवाने के बाद सारा ने अपना सारा ध्यान इस बात पर लगा दिया कि अब वो अपने एक पैर से क्या कर सकती है। बचपन से ही मोटिवेटेड और डेली फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से सारा ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में 100 मीटर पैरालंपिक स्विमिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और सारा वो पहली फीमेल पैरालंपिक एथलीट भी बनी जिन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पहले ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है जायन क्लार्क। 22 साल के जायन क्लार्क कार्डियल रिग्रेशन सिंड्रोम नाम की बीमारी के साथ पैदा हुए थे जिसकी वजह से उनकी कमर के नीचे पैरों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाई। जायन ने बचपन से ही बिना पैरों के रहना तो सीख लिया था, लेकिन उन्होंने साथ में ही रेसलिंग भी सीखी और जैसे जैसे जायन बड़े होते गए उनकी रेसलिंग ट्रेनिंग भी और भी अच्छी होने लगी और अपने कॉलेज के टाइम ही इन्होंने पैरालंपिक रेसलिंग कंपटीशन भी क्वालिफाई कर लिया था और आगे चलकर इन्होंने व्हीलचेयर रेसिंग करके भी कई सारे मेडल्स जीते। जायन अब दूसरे पैरालंपिक प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं और आगे आने वाली टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम अपाहिज अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होते हैं, अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को इनमें से किसकी स्टोरी ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल की और भी कई सारे वीडियोज़ को देखने के लिए इन दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।